Hello everyone, this is R.K. Verma and you are watching now Madhuban BK English classes. Today we are going to learn a very interesting trick about some trigonometrical ratios. जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि त्रिकोणमिति के कितने बेटे हैं, तो आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करते हैं और त्रिकोणमिति के बेटों को जो है वो बाहुबली के अंदाज में हम पढ़ते हैं. जी हाँ, बाहुबली 2 का डायलॉग, एक फेमस डायलॉग आप लोगों को याद होगा, बम बम भोले, यानी कि बम भोले जो हमारे कटप्पा मामा जी थे उन्होंने कहा था. कैसे कहा था देखिए, उन्हीं के अंदाज में इनको पढ़ना है और आपको जीवन भर भूलना नहीं है, मरने के बाद भी आप ये ट्रिक नहीं भूलेंगे. ध्यान दीजिए गौर से, क्या है जो बातें कही जा रही है मेरी ओर से, सुनिएगा जरा उन्हें गौर से. क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ऑल द सिक्स आर सन्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री जो है वह फादर है और इनके 6 बेटे हैं. और 6 बेटों को हम कैसे याद रखेंगे उन्हें समझिए जरा अच्छे से. पहला तो मैंने बोला क्या, बाहुबली के टर्म में इनके देखिएगा कि बम बम भोले, तो उसी तरह से एक हमारे पंडित थे बद्री प्रसाद, जैसे वहाँ कटप्पा थे वैसे यहाँ है हमारे पंडित बद्री प्रसाद. देखिए यह बहुत ही फेमस डायलॉग है मैथमेटिक्स की दुनिया में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. यदि आप ऐसे बोलते हैं तो यह साइन कॉस टेन का तीनों कंप्लीट हो जाता है. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर बोलना है हर में, हर मीन्स नीचे, डिनोमिनेटर को हर कहते हैं, ठीक है. और हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यह तीनों कंप्लीट. अब जब यह तीनों कंप्लीट हो गया तो हम इन तीनों को क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, यानी कि साइन का उल्टा होता है कॉसिक और कॉस का सेक और टेन का कॉट, तो ऐसे भी याद हो जाएगा. नहीं तो फिर ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, बहुत लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है. आप ऊपर से याद करते हैं तो 6 आपके याद हो जाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और फिर से आप इसी सेंटेंस को उलट देंगे कि हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद. आप ऊपर से ऐसे बोलेंगे और नीचे से उलट के बोलेंगे तो 6 एक बार में कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि 6 बेटे के जो त्रिकोणमिति के 6 बेटे हैं, यानी कि 6 बेटे, उनके सारे नाम आपको याद हो जाएंगे. क्योंकि हम जानते हैं त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होती हैं, साइन कोसेक कॉस सेक एन कॉट, यह 6 निष्पत्तियाँ जो है वह त्रिकोणमिति के बेटों के रूप में जाने जाते हैं, अकॉर्डिंग टू मी एंड माई डेफिनेशन. फिर से जानिए, अब वो तो बात आ गई, क्या आपको इन्हें याद करना है, जैसे याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और क्या तोले, एस फोर सोना, एस फोर सोना, सी फोर चांदी, सी फोर चांदी और टी फोर तोले, याद रखिए सोना चांदी तोले साइन कॉस टेन, याद रखिएगा एस फोर सोना, सी एच फोर चांदी और इससे कॉस होगा, टी फोर तोले मीन्स टेन थीटा. तो बस ये 3 याद रखेंगे आप, आसानी से हो जाएगा. तो जैसा ही हम उसे पढ़ सके और जैसे रट सके, बस आप उसे दिल में, दिमाग में बैठा लीजिए, याद हो जाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और फिर हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद. अब दूसरे तरीके से फिर हम इसे कैसे याद रख सकते हैं, आइए जानते हैं. त्रिकोणमिति के 6 बेटे, जी हाँ, त्रिकोणमिति के कितने बेटे, 6 बेटे, यह जो है बेटे हैं और इन बेटों को कैटेगराइज किया गया है. अब देखिएगा ध्यान से, ये 6 जो है वो जाते हैं घूमने के लिए, मस्ती करने के लिए, क्योंकि आज के जीवन में हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही मौज मस्ती से पढ़ते लिखते हैं और घूमते फिरते हैं. तो ऐसे ही त्रिकोणमिति के 6 बेटे घूमने गए और किसी होटल में जाकर बैठ गए. देखिए क्या बोलता है, साइन थीटा कहता है पीना है, कॉसेक थीटा कहता है हाँ पीना है, कॉस थीटा कहता है बुड़बक है, तो सेक थीटा कहता है हाँ बुड़बक है, यानी कि पी के ही छोड़ेगा, आज ये लोग मानेगा नहीं, देखिएगा. फिर कहता है टेन थीटा, कहता है पापा से बोल देंगे, पापा से बोल देंगे. तब बोलता है क्या कि कॉट थीटा बोलता है ना 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 बापू पीटेंगे, भूल के भी नहीं पीना है, बाप रे बाप, बापू पीटेंगे नहीं पीना है, कंप्लीट. यानी कि साइन कोसेक को मान लीजिए 2 एक जैसे ग्रुप वाले बेटे, कॉस सेक एक जैसे और टेन कॉट एक जैसे, तो इनको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं. साइन थीटा पीना है, कॉसेक थीटा हाँ पीना है, कहता है मिला दिया हाँ में हाँ. फिर कॉस थीटा थोड़ा डरता है, कहता है बुड़बक है, तो सेक थीटा कहता है हाँ बुड़बक है आज पी लेगा. फिर टेन कहता है पापा को बोल देंगे, तो कॉट कहता है
बापू पीटेंगे, यानी कि दोनों का बात लगभग लगभग मिलता जुलता है, यानी कि अब ये लोग पीने वाले नहीं हैं। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, यानी कि आपको दिमाग को जो अच्छा लगे वैसे ही याद रख लीजिए। फिर यदि आप सीधे साधे बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, और कम मस्ती में याद रखना चाहते हैं, तो आपके लिए भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है देखिए, सोनू कहता है पढ़ना है तो साइन थीटा मान लीजिए, सोनू पढ़ना है तो कौशिक थीटा मान लीजिए, सी फोर चंदन कुछ भी मान सकते हैं, जो मानना है। तो कौशिक कहता है हाँ पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, साइन कहता है पढ़ना है पी बाई एच पढ़ना है, कौशिक थीटा हाँ एच पढ़ना है। फिर देखिए कहता है कौश थीटा बुक है तो सेक थीटा कहता है हाँ बुक है। फिर टेन थीटा क्या कहता है, टेन थीटा कहता है कौन कौन बुक है, फिजिक्स बायोलॉजी है इसके पास, ट्यूशन गया है साइंस का पढ़ने, बोलता है फिजिक्स और बायोलॉजी है। कॉट थीटा भी कहता है हाँ भाई बायोलॉजी और फिजिक्स है, अब पढ़िए जैसे मर्जी बुझाए वैसे पढ़िए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इन्हें लाइक जरूर कर दीजिएगा, कम से कम एक लाइक तो बनता ही है। और लाइक में ध्यान रहे, गलती से ऐसे में ना दबाना है, ऐसे में दबाना है, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो वास्तव में, तो आप लाइक तो ठोकिए ही ठोकिए, उसके बाद आप अपने दोस्तों में ज़रा इन्हें शेयर भी कर दीजिए अगर अच्छा लगता हो तो। और बाकी आने वाली वीडियोस को आप यदि देखना चाहते हैं तो इसी तरह से चैनल में बने रहिए, और हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियोस को लाते रहेंगे। और नए चैप्टर को फिर से हम शुरू करने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्री के एक हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है, और फिर पीछे के और कुछ थ्योरम्स हैं उन्हें भी हम प्रूव करके जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। तो चैनल में बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।